वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक गाड़ी का रिव्यू करेंगे, ई क्लास का। मैं काफ़ी देर के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि उससे पहले मैं थोड़ा सा मसरूफ़ था काफ़ी अरसा से। गाड़ियाँ तो मैंने दो तीन चेंज की हैं, बीच में मैंने एक कैफ़े का जो है वो काम शुरू कर लिया था कि मैं एक अपना कैफ़े खोल लूँ, उस पर काम हो रहा था। तो गाड़ी हमने A5 के बाद जो है मैंने एक सी क्लास खरीदी थी, W205 जिसे कहते हैं, 16 का मॉडल था और वो बहुत ही प्यारी गाड़ी थी। मैं गाड़ी का रिव्यू नहीं कर सका लेकिन मैंने उसके कुछ शॉट्स हैं मेरे जो मेरे चैनल के ऊपर आप लोग देख सकते हैं। फिर मुझे मैंने उसको ड्राइव किया, बहुत अच्छी गाड़ी थी। फिर उसके बाद मैंने उस मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मैंने वो गाड़ी को सेल किया। फिर मैंने ली RS टर्बो 11th जनरेशन, बहुत अलग गाड़ी थी। पाकिस्तानी गाड़ियों के हिसाब से मैं लगता है कि उससे अच्छी गाड़ी कोई नहीं थी, जो जितनी भी गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर हैं लोकल मैन्युफैक्चर वाली। ड्राइव वाइज गाड़ी बहुत अच्छी थी, सस्पेंशन उस गाड़ी की जो है ना मुझे वो सबसे अच्छी लगी, उसके फंक्शंस बहुत अच्छे थे। लेकिन उसमें ना गाड़ी में आपको फील नहीं आती कि आप 1 करोड़ की गाड़ी में बैठे हैं। ये चीज़ मुझे जो है ना वो जिससे मैं डिसअपॉइंट हो रहा था कि मतलब कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा था कि यार आपने 1 करोड़ रुपया गाड़ी के ऊपर खर्चा है। वो 70-75 लाख रुपए की होती तो भी समझ में आती थी। फिर मुझे था कि यार मैंने एक ई क्लास नहीं चलाई और मुझे बड़ी पसंद थी, ये बड़ी एग्जेक्टिव सी कार है, तो मैंने सोचा कि यार कोई ई क्लास ढूंढते हैं। फिर मैंने ये गाड़ी ढूंढी, तो बाहर से मैं आप लोगों को गाड़ी दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले गाड़ी को हम वॉश करवा लेते हैं क्योंकि गाड़ी काफ़ी गंदी हो चुकी है, टाइम नहीं लगा। तो आज इसको पहले वॉश करवाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को गाड़ी का जो है वो बाहर से आप लोगों को गाड़ी दिखाता हूँ। इस गाड़ी के अंदर जो मेरे हिसाब से मुख्तलिफ वेरिएंट्स के अंदर जो है ना वो 16 इंच के व्हील आते हैं, लेकिन जो मज़े की चीज़ है, जब मैंने गाड़ी ली थी तो मुझे ये 18 के डले हुए मिले और ये जो है ना वो इसको बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मेरे पास है ये है E250 है, ये E200 में और E250 में थोड़ा सा जो है वो परफॉर्मेंस का फ़र्क है। और 2012 का मॉडल है, ई क्लास है, C1 1.8 लीटर टर्बो चार्ज होती है, 7 स्पीड है और अप गियर वाली गाड़ी है ये, क्योंकि इससे पहले जो था वो अप गियर नहीं आता था। उसके अलावा ये पैनोरामिक है इसके अंदर। तो सस्पेंशन वाइज, फंक्शन वाइज, ड्राइव वाइज मुझे लगता है कि बहुत आला गाड़ी है। मैं आपको बताऊं कि पहले मैं ऑडी का फ़ैन था, मैंने ऑडी की A3 A4 A5 सारी मैंने ड्राइव की हैं, लेकिन उसके बाद मैंने एक बीच में जो है वो एक BMW 5 सीरीज़ 2005 का मॉडल मैंने चलाया था, लेकिन वो जब मैंने चलाया ना तो मुझे लगा कि यार ये एक अलग ही क्लास है, ये एक अलग ही चीज़ है, हालांकि इतनी पुरानी वो गाड़ी थी। फिर मैंने वो चलाई, उसके बाद फिर जब मैंने मर्सिडीज़ सी क्लास चलाई ना, फिर मैंने कहा नहीं, इवन के उसकी सी क्लास जो है ना मर की, वो ऑडी A4 A5 से बहुत बेहतर थी ड्राइव के हिसाब से। आपको चला के आपको फ़ील आती है कि आप वाकई कोई सॉलिड, कोई अच्छी गाड़ी चलाते हो। ऑडी अच्छी है लेकिन ऑडी में आपको थोड़ा सा एज कम्पेयर अगर करें हम मर्क के साथ, तो वो आपको लगता है कि जैसे थोड़ी सी ना लाइट है ड्राइव में। तो फिर मुझे था कि यार मैं चलाऊँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मेरे हिसाब से अब जो है वो मर्क, ऑडी और BMW में BMW पहले नंबर पे ड्राइव में जो मुझे लगता है, फिर मुझे मर्क लगी, उसके बाद मुझे लगता है कि फिर ऑडी है। तो ये ई क्लास है, सस्पेंशन वाइज बहुत अलग गाड़ी है और सीट्स बहुत कम्फर्टेबल हैं और इसमें इलेक्ट्रिक सीट्स आती हैं, लंबा स्पोर्ट है, जो जो फंक्शंस मतलब कि एक नॉर्मल है ना वो हो सकते हैं वो सब इसके अंदर आपको मिलेंगे। ये इस गाड़ी का इंटीरियर है, बड़ा ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा इंटीरियर इसका, साफ़ सुथरा इंटीरियर है। रियर डोर में इसके ये कर्टन्स भी आते हैं और एक
ऑटोमेटिक जो है वो कर्टन पीछे भी इसका। आप ये देखो कि 2012 में ये ई क्लास के अंदर ये ऐसा इंटीरियर था। इस गाड़ी में पैनोरामिक आता है, हार्ड टॉप भी आता है, लेकिन मेरी प्रेफरेंस यही थी कि मैं ये पैनोरामिक ही लूँ। इसके अंदर हार्मन कार्डन का साउंड सिस्टम आपको मिलता है, और ये हर वेरिएंट में नहीं मिलेगा आपको। और इसके अंदर आपको पार्किंग सेंसर, पैडल शिफ्टर, उसके अलावा डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है आपको। यहाँ पे दो कप होल्डर मिल जाते हैं, ये आपको इको और स्पोर्ट्स मोड का बटन मिल जाता है। उसके अलावा आपके जो सारे विंडोज़ हैं वो पावर मिल जाते हैं आपको, ठीक है। और आपको रियर वेंट्स, एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं। फिर आपको पीछे इलेक्ट्रिक कर्टन मिल जाता है, ये पैनोरामिक आपको आ गया, ठीक है। एयर बैग्स इसमें काफ़ी सारे हैं, और सीडी चेंजर है इसके अंदर। ये इसमें जो है वो रियर जो है ना शेड का है, सन शेड का है, ऑटोमेटिक जो है। ये जो बटन है ना, ये आपके अगर पिछली सीट्स वाले जो हेडरेस्ट वगैरह हैं अगर वो अप हुए हुए हैं और आपको पीछे देखने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप इसको प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो ये जो इसका ड्राइव का बटन है ना, यहाँ से आप इसकी मुख्तलिफ चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मल्टीमीडिया है, साउंड सिस्टम को आपने करना है, या आपने फ़ोन को यूज़ करना है, तो आप उस इस बटन की मदद से आप ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। क्लस्टर के अंदर जो है वो इसको आपको एक तो ट्रिप शो हो सकता है, ऑडियो का आपको जो भी आप प्ले कर रहे हो आप वो ट्रैक यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, तो इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी ESP, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, टाइम डेट। अच्छा, मज़े की चीज़ है, इस गाड़ी में उस टाइम भी एम्बिएंट लाइट जो है ना वो आती थी, सारे डोर्स में मौजूद है। अगर मैं आपको ऐसे करके दिखाऊंगा तो शायद आपको नज़र आए थोड़ी सी। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि शाम का कोई जो है ना, मैं एक आधा क्लिप इसमें आपको ऐड कर दूँ, ताकि आपको पता लगे कि ये 2012 में भी एम्बियंस जो है ना वो गाड़ी में आती थी। तो ये आपने देखना कि ये एम्बियंस उस टाइम भी आती थी, ये 2012 का मॉडल है, उस टाइम भी गाड़ी में एम्बियंस आती थी, जो कि आजकल आ रही है गाड़ियों में। ये फुट लैम्प्स और ये वगैरह मैं बंद करूँगा ना, ये तो ये देखो डोर्स के अंदर ये बड़ी खूबसूरत हो जाएगी, ये लाइट जैसी बंद होगी तो बड़ा फ़र्क होगा। यहाँ पे एक छोटी सी लाइट दी है उन्होंने, ये जब ये बंद हो जाएगी तो ये हल्की सी ग्लो करती रहेगी ऐसे, जैसे ये है तो ये ऐसे पड़ती रहेगी। कुछ मॉडल्स जो बाद में आए थे उनमें मेरा ख्याल है कोई 13-14 वाले, उसमें ये शायद इसमें भी 2-3 कलर उन्होंने दे दिए थे। अच्छा, इसकी जो मज़े की चीज़ मुझे लगी ना इसके अंदर, ये देखें ये जो सन वाइज़र है ना, इसमें एक तो लाइट है, आपको लाइट मिलती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें डबल है, ये मैंने इस गाड़ी के अंदर ही देखा है कि इसमें एक तो ये साइड पे कर लिया आपने और ये एक फ्रंट पे करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है ना वो इसके अंदर एक जो चीज़ थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी मुझे, जो बड़ी जो लगी कि यार वाकई की कुछ डिफरेंट है इसके अंदर ना। बाकी ये पैनोरामिक के बटन हैं, लाइट्स हैं, वो आप प्रेस नीचे पैडल से करेंगे और जो है वो रिलीज जो है ना वो आपने यहाँ से इसको पुल करके करनी है। बाकी ऑटो हेडलाइट्स हैं और जो साइड वाले जो मिरर्स हैं वो भी इसके हीटेड हैं। जो गियर वाला बटन है ना वो बड़ा अपग्रेडेड है, तो ये आप यहाँ से ही इसका जो है वो ड्राइव में और न्यूट्रल में और पार्किंग में इसको यहीं से प्रेस करके आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ 2012 में शाहनवाज वाले जो हैं वो उसमें रियर कैमरा नहीं दे रहे थे, लेकिन आपको मैं बताऊं कि रियर कैमरा से ज़्यादा अच्छे इसके पार्किंग सेंसर हैं, इतने एक्यूरेट हैं, आपको कैमरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना फ्रंट के लिए ना बैक के लिए। गाड़ी के अंदर ना आपको 2012 की जो शाहनवाज की गाड़ियाँ ना, शाहनवाज इम्पोर्ट गाड़ियाँ, उसके अंदर आपको जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है ना वो आपको मिलती है सिर्फ कॉल के लिए, वॉइस कॉल के लिए, ऑडियो के लिए आपको नहीं मिलती। तो अगर आप लोग उसकी क्वालिटी बेहतर चाहते हैं तो आपको एक इसका ऑक्स की केबल मिलती है जिसके थ्रू आप इसमें अंदर USB इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आप अगर वो आप USB लगा लेते हैं तो आपकी क्वालिटी आपको बहुत बेहतर मिलती है, आपको साउंड वगैरह लाउड मिलता है इसके अंदर। और बात बताऊं कि जो पाकिस्तानी शाहनवाज के इंपोर्ट गाड़ियां ना, उनका AC बहुत आउट क्लास है, बनिस्बत जो गाड़ियाँ लोगों ने UK की इम्पोर्ट की हुई हैं या जापान इम्पोर्ट है,
उससे इस गाड़ी का जो है वो एसी बहुत अच्छा है। अगर आप गाड़ी का विन नंबर भी देखोगे तो विन के अंदर आपको स्पेक्स के अंदर शो होगा कि ये इसका जो एसी है वो पाकिस्तान के हिसाब से, इधर के वेदर के हिसाब से जो है वो अपग्रेडेड है। गाड़ी की अगर फ्यूल एफिशिएंसी की हम बात करें तो गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो कोई बुरी नहीं है। जितनी बड़ी ये लाश है, जितनी बड़ी ये गाड़ी है, जितनी ये वजनी है गाड़ी, उस हिसाब से एवरेज इसकी ठीक है। 1.8 लीटर टर्बो चार्ज है, तकरीबन 204 या 201 के करीब ये हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। और लॉन्ग के ऊपर अगर जिस तरह मैं इसको ड्राइव करता हूँ ना, तो लॉन्ग के ऊपर तकरीबन ये गाड़ी 12, 12, 12.5 इतनी मुझे एवरेज देती है 120 के ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो। उसके अलावा लोकल के ऊपर तकरीबन 9-10 की एवरेज है, जो कि बहुत इतनी बुरी नहीं है, एवरेज है, ठीक है। अगर आपने हाथी रखना है और आपको कि वो खर्चा भी ना हो हमारा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। पंजाबी में कहते हैं ना, मज़े भी लेने हैं और आप कहें कि जी फ्री फ्री में मिल जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर मेंटेनेंस की बात करें, जिस तरह लोग कहते हैं कि जर्मन गाड़ियाँ जो है ना वो नहीं लेनी चाहिए, पुरानी गाड़ियाँ काम बहुत निकालती हैं, तो उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि अगर आप गाड़ियों का काम टाइम पे कराते रहोगे ना, तो वो कोई काम नहीं निकालती। लोग क्या करते हैं कि अब जैसे ये लेट्स सपोज ये 2012 मॉडल है, इसको कंपेयर करना लग जाएंगे एक नए मॉडल के साथ। अब जो नई पाकिस्तानी गाड़ी आप लोग हैं, कोई भी लोग हैं, सारी बातें वो जल्दी काम नहीं निकालेगी क्योंकि वो फ्रेश होगी, ठीक है। अब मैंने लास्ट एक बंदे से मैंने गाड़ी ख़रीदी थी, जो सी क्लास ख़रीदी थी, आप बिलीव नहीं करोगे कि उस बंदे ने मुझे मुंह से बताया कि जी ये मैंने पिछले 3 सालों के अंदर 9000 किलोमीटर चलाई है और आज तक इसका मैंने तेल चेंज नहीं किया। अब मुझे बताओ ना, कंपनी ये कहती है कि आपने गाड़ी अब चलाओ या ना चलाओ, 3 महीने बाद उसका आपने ऑयल चेंज करना है, या 5-6 हज़ार 7 हज़ार जो भी आपकी रिकमेंडेशन है उस ऑयल की, कि वो लाइफ है कि इतने देर बाद वो आपका ऑयल चल सकता है, आप वहाँ पे चेंज करो। अगर नहीं यूज़ कर सकते तो आपने 3 महीने के बाद गाड़ी का ऑयल चेंज करना है। तो जो लोग नहीं करते, फिर ज़ाहिर बात है फिर वो काम तो निकालेगी ना, उस पर फिर लोग कहने लग जाते हैं यार ये गाड़ियाँ जो है ना वो काम निकालती है। तो उस बंदे ने मुझे खुद कहा कि भाई आपने इसको चेंज करवाना है, और क्योंकि हमने नहीं करवाया, हम लोग शेख हैं, हम नहीं चेंज करवाते हैं। तो मोस्टली लोग जो है ये सोच के गाड़ियाँ लेते हैं कि यार ये गाड़ी DHA में खड़ी है, ये गाड़ी फलानी जगह पे खड़ी है, ठीक है, तो ये गाड़ी बहुत साफ़ होगी। तो ये बाहर से साफ़ होगी, अब ये नहीं पता कि उसने किया। इसलिए आप कोशिश करो कि अगर आप जर्मन गाड़ी ले रहे हो तो आप अगर अच्छे पैसे खर्च रहे हो तो आपने उसकी हिस्ट्री ज़रूर देखनी है कि गाड़ी की हिस्ट्री क्या है। गाड़ी को लेते वक्त आपने गाड़ी में स्कैनर ज़रूर लगवाना है, जर्मन गाड़ी लेते हुए आपने स्कैनर ज़रूर लगवाना गाड़ी को, ताकि आपको पता लगे कि इसके अंदर कोई मेल फंक्शन है या नहीं है। और आजकल मैं आपको बताऊं, लोगों ने क्या काम शुरू किया हुआ है कि जर्मन गाड़ियों के अंदर क्योंकि काम एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि वो काम नहीं करवाते, उसकी वजह से जो उनका काम निकल जाता है फिर वो ज़्यादा खर्चे वाला होता है। जैसे अब गियर ऑयल है, उसकी रिकमेंडेशन है कि तकरीबन 60-70,000 पे जो गाड़ियों का गियर ऑयल चेंज होता है, लोग नहीं चेंज करवाते। फिर उसके बाद जब मसला आने लग जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, क्योंकि इन गाड़ियों में इतनी स्मार्ट कार्स होती हैं कि इनके अंदर हर चीज़ के जो है ना वो आपको सिस्टम के अंदर कोड आ रहे होते हैं इसके अंदर। तो लोग क्या करते हैं कि आपकी चेकलाइट जो है वो कंप्यूटर से कोडिंग करके बंद कर देते हैं। हम लोग जाके देखते हैं तो गाड़ी का पता लगता है कि जी ये इसमें चॉकलेट कोई नहीं है, इसमें कोई मेल फंक्शन नहीं है, तो लोग कहते हैं कि गाड़ी ठीक है। बाद में पता लगता है कि जी आपने जनाजा ले लिया। अच्छा, फिर आपने जब भी गाड़ी लेनी है तो गाड़ी को एक स्विच लगाना, आपने स्विच लगा के आपने गाड़ी ये देखनी है कि गाड़ी स्टार्ट करने से पहले उसमें जब सारी लाइट्स आ रही होती है ना, कि ब्रेक्स की, बैटरी की, सारी, वहाँ पे आपको चॉकलेट आ रही है या नहीं आ रही। समटाइम क्या होता है, अगर गाड़ी के अंदर से चॉकलेट बंद की हो ना, तो वो वहाँ पे शो नहीं होगी आपको, किसी भी पॉइंट पे लाइट जो है ना वो बल्ब जो है ना वो उसका वो ग्लो नहीं करेगा। वो आपने ज़रूर देखना है, इन गाड़ियों में ऐसे फ्रॉड होता है। आपने की को वन पे, पोजिशन वन पे और टू पे आपने स्टार्ट करने से पहले ज़रूर चेक करना है कि उसमें आपकी चॉकलेट आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। अगर जो चॉकलेट आ रही है वहाँ पे ऑन हो रही है, और जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ऑन होने के बाद वो ऑफ हो जाती है, इसका मतलब है कि गाड़ी में चॉकलेट आपकी काम कर रही है। तो जब आप स्कैनर लगाओगे तो आपको पता लगेगा लेने से पहले कि भाई इस गाड़ी में कोई माल फंक्शन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको लेके और इसको हम ड्राइव कर सकते हैं। तो ये आपने एक मेरा मशवरा है कि आपने जब भी जर्मन गाड़ी लेनी है तो आपने ये इस तरह से लेनी है। बाकी रही बात ऑयल्स वगैरह की, यार अगर आप इसमें आम गाड़ी में 4 लीटर ऑयल डलता है, इसमें 8 लीटर डलता है, 6.5 लीटर डलता है मुख्तलिफ गाड़ियों के अंदर, तो आप अगर अच्छा ऑयल डालते हो उसकी लाइफ स्पैन भी तो उसका ज़्यादा है ना, वो 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 किलोमीटर चलती है, तो इतनी कोई कॉस्टली नहीं है। और स्पेयर पार्ट्स जो है ना वो मर्सिडीज़ के तो आसानी से मिल जाते हैं, ये ई और सी जो भी क्लास है ना, ये
15-16 मॉडल की, 17 मॉडल की, इनके पार्ट्स इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आपको हर चीज़ मिल जाती है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छी गाड़ी इंजॉय करनी है, चलानी है, तो आप परेशान नहीं होना, लोगों के बातों में नहीं आना कि जी मैं डील लेनी, आप लें, चलाएँ, इंजॉय करें और भाई को दुआएं दें। इसके अंदर बहुत कमाल के फीचर्स हैं, और जो सीट बेल्ट्स हैं वो ऑटो एडजस्टेबल हैं, अगर आप सीट बेल्ट लगाते हैं तो वो सेल्फ टाइट हो जाती है। तो मतलब इस गाड़ी के अंदर ना छोटे छोटे भी अगर आप देखोगे तो आपको कमाल की फील आती है कि वाकई आप जो है ना वो इतनी लग्जरी गाड़ी के अंदर बैठे हैं। और प्राइस की मैं बात बताऊँ, अगर आप अच्छी गाड़ी लेना चाहते हो तो ये 120 तक आपको बहुत अच्छी गाड़ी जो है ना वो तगड़ी गाड़ी आपको मिल जाती है। तो मुझे बताओ ना 120 के अंदर आपको क्या मिल सकता है? ये आपको करोड़ में ये हॉर्सविक मिलेगी, 115-20-22 के अंदर आपको हैवल मिल जाएगी, ये चाइनीज़ गाड़ियाँ मिल जाएंगी यार, दूर दूर तक इनके साथ कोई मुकाबला नहीं है, ऑनेस्टली दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू, इंशाल्लाह मज़ीद और वीडियो भी बनाएंगे, और इस गाड़ी का भी मज़ीद मैं और इसको थोड़ा सा चलाऊं, क्योंकि मैं आपको पता है मैं ज़्यादा देर गाड़ी रखता नहीं, मैं 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने मैंने शौक़ पूरा करना होता है कि भाई मैंने ये गाड़ी चला ली है, अब इसको बेचो, अब अगली कोई गाड़ी चलाओ जो मैंने नहीं चलाई। तो ये बात है, बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आई हुई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।